आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्यूज प्रतियोगिता का जो पुरस्कार वितरण समारोह है उस प्रतियोगिता उत्सव के इस पल में उपस्थित सभी भैया और बहनों को स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी से आग्रह है कि मंच पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। आकाश इंस्टीट्यूट के गाइडेंस जिनके बाद जिनके द्वारा होता है, गाइड होता है, आदरणीय प्रियतम जी से भी आग्रह है वो मंच पर आसीन होंगे। और जितने भी हम लोग के शिशु मंदिर में भैया बहन बोला जाता है और जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनसे आग्रह है कि आप जहां कहीं भी सीट खाली है उस सीट पर आपको बैठ जाइए। कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होने वाली है। अपने बीच मुख्य अतिथि नगर के भावी सभापति आदरणीय पवन जी आ चुके हैं और उनके द्वारा ही अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। बदना प्रमुख की बहनों से आग्रह है कि आप बहन सारिका, बहन चाहत और बहन रिया इन तीनों से आग्रह है और साथ में एक और निशु से आ जाइए। आइए निशा बहन आप श्रुति बहन से आग्रह है और प्रिंसी बहन से इन सभी से आग्रह है कि बदला की जो व्यवस्था है अभी दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम विधिवत होगा, आप सभी से आग्रह है कि बदला की व्यवस्था में आएंगे। आइए सर, आइए दूसरे इनपुट है अभी आप सभी से आग्रह है जो भी आए दीप मंत्र का कार्यक्रम होगा और जिन्हें आता है वो दूर आएंगे, जिन्हें नहीं आता है कम से कम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन जरूर करेंगे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति सनातना, दीप हर तुम्हें पातम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करो सभी अतिथियों से आग्रह है कि आप मंचासीन हो जाए और कार्यक्रम आप विधिवत रूप से प्रारंभ की जाएगी। इच्छा को यहाँ सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कार्यक्रम को कौन कर रहा है और क्या कर रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए और कार्यक्रम में परिचय का कार्यक्रम होगा
उससे पहले ये आकाश इंस्टीट्यूट के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विगत 5 वर्षों से लगातार गरीब से गरीब बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और भक्त प्रीतम जी उनके पास आकर दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि शिक्षा की ज्योति वो दूर दूर तक फैला रहे हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा से पहले मंचासीन अतिथियों के परिचय के लिए इस कार्यक्रम के आयोजक प्रियतम जी से आग्रह है कि मंच पर दोनों अतिथि हैं, आपके द्वारा ही परिचय का कार्यक्रम हो, ये अधिक उपयुक्त होगा। आदरणीय प्रियतम जी, हमारे बीच खाली नहीं कुछ जो मध्य में बैठे हुए हैं वह भी हमारे भावी सभापति के रूप में जाने जा रहे हैं, श्री पवन कुमार जी। इनका नाम हम बहुत समाज से जुड़े हुए सुने हैं और मुझे एक आमंत्रण पर यह तुरंत यहाँ आ गए हैं। इससे अनुभव होता है यह वास्तव में समाज से भी है और यह सभापति बनने योग्य है और भगवान के उनके द्वारा हमारे विद्यालय के सरस्वती शिशु मंदिर बख्तियारपुर का प्रधानाचार्य हैं, इनके कार्यक्रमों से ही मेरे विद्यालय आगे की ओर बढ़ रही है और इनके सहयोग से हम लोग का अपना जीवन यापन चल रहा है। यह अपने आचार्य को कभी दूसरा नहीं समझते, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम अपने बड़े भाई के साथ काम कर रहे हैं और वह अपने छोटे भाई के समान हम लोगों को मानती है। अब अतिथि के परिचय के बाद अतिथियों का सम्मान के लिए अपने विद्यालय के प्रगति दीदी से आग्रह है कि जो भी व्यवस्था बनी है सम्मानित करने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट के प्रोप्राइटर कहिए या गाइडेड कहिए या आयोजक कहिए, तो आदरणीय प्रीतम जी से आग्रह है कि भावी सभापति नगर के बख्तियारपुर के पवन कुमार जी का अभी सम्मान करेंगे। आदरणीय प्रीतम जी, मंच पर इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान अंग वस्त्र देकर करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अब बारी आप लोगों की है। सबसे पहले इस विद्यालय में 18 वर्ष से मैं कार्यरत हूं और जब प्रियतम जी इस विद्यालय में आए 2010 तो इनकी योजना बड़े ही सरल थी। इन्होंने सोचा कि सभी लोग शिक्षा से पैसा कमाने का होता है, लेकिन कोई लोग शिक्षा को दान नहीं करता है। शिक्षा के दान स्वरूप हम अपना समय देंगे और उस समय का भरपूर उपयोग इस बख्तियारपुर नगर के अन्य कस्बों के लोग फायदा उठाए, लाभान्वित हो। इन्होंने बार बार इसका जिक्र हमसे किया और संजोग बस इनका एक लड़का आकाश है,
और आकाश के बारे में तो जानते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट पूरे भारत में छाया हुआ है और संयोग भी है इसी विद्यालय का होनहार वो विद्यार्थी है। और साथ ही साथ अगर रियलिटी में सम्मान तो पाने का हकदार वही है कि अभाव में भी उसने ज्ञान अर्जन किया और ज्ञान अर्जन के उपरांत आज स्टेट प्लस टू के स्टूडेंट को मैथ्स जैसे क्लिष्ट विषयों का प्रतिपादन वो बखूबी से दो वर्षों से करता आ रहा है। ये तो योजना आदरणीय प्रियतम जी की है और वो कुछ और नया करने के लिए फिर से विचार मन हुए और आप देख रहे हैं कि विगत वर्षों से अपने नगर में पवन कुमार जी के द्वारा गरीब से गरीब बालकों के उत्थान के लिए ये अपना साहसिक कदम बढ़ाए हुए और आपने सुना भी होगा इनका नाम क्योंकि आप लोग बख्तियारपुर नगर से। इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है, क्या उनके पास मैं चलूं? और जब मैं विचार लेकर उनके पास गया तो रियलिटी में पवन कुमार जी को एकदम एक शब्दों में सीधे कहे कि इस कार्यक्रम को जितना भव्य पूर्वक बनाना है कीजिए, मेरा बहुमूल्य समय आपके बीच में रहेगा क्योंकि व्यस्त कार्यक्रमों में से इनका कार्यक्रम है ये है। अभी तुरंत खुसरूपुर से आ रहे हैं, खुसरूपुर में कार्यक्रम था। ये सिर्फ बख्तियारपुर के नहीं रह गए, ये पूरे इस विधानसभा में छाए हुए इनका नाम है और आप लोग परिचित हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि बच्चा घर से सीखता है और कई ऐसे बालक होंगे जिनके माता पिताजी के दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे और उनके बालक पढ़ने में यशस्वी है, तेजस्वी है और कठिन से कठिन परिश्रम कर अपने बालक के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित है। शिक्षा का अभाव मिल रहा है, सही से शिक्षा दान नहीं हो रहा है और जिस तरह से शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों से, शिशु मंदिर में मंदिर है ये कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, ये चीज जान लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का ये स्कूल नहीं है। और ये कॉन्वेंट स्कूल का जो बना हुआ है कि 5,000, 10,000, 20,000 माँ बाप शिक्षित हो, वेल एडुकेटेड हो तो उसका बच्चा भी वेल एडुकेटेड होगा। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माँ भी वेल एडुकेटेड थी? क्या लालू लहादुर शास्त्री की माँ भी वेल एडुकेटेड थे? नहीं, उनके बालक से उनकी पहचान बनी है और वही इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कई ऐसे बालक है जो अपने माँ को गौरवान्वित करेंगे। मैं बार बार कहता हूं तीन लोग बड़े प्रसन्नचित होते हैं जब वो बालक अच्छा करता है तो, माँ बाप और गुरु। माँ बड़े कहता होगा कोई भी किसका बालक है जो इतना ओजस्वी और तेजस्वी है, और बाप के बारे में कितनी परिश्रम से इस बालक को निर्माण किया है और गुरु जो शिक्षा देता है। अगर यही उलट जाए, आप गलत कोई कार्य कर दें, आपका नाम बदनाम हो जाए, कहेगा कैसे माँ का ही बच्चा है, कैसे गुरु ने इसको शिक्षा दी है और कैसे बाप ने इसका पालन पोषण किया है। ये तीन लोगों की गरिमा को बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। बोलने और बात करने की बहुत सारी बातें हैं, आप यहाँ अपने सम्मान के लिए अपने हक के लिए आए हैं कि हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिता होती आ रही है, आप प्रत्येक वर्ष में पढ़ते हो और उसके अंत में एग्जाम की प्रतियोगिता देते हो और उसमें अव्वल लाते हो और समय अनुसार पुरस्कार और पुरस्कार पाने का अभिलाषा जो है जारी होता रहता है और कई तरह के एडवांटेज होते हैं और उसका फायदा आप लोगों के बीच होता है कि हम नए युग में आए हैं तो नए परिवर्तन होंगे। नए शुरू में जब ये कार्यक्रम हुआ था तो सिर्फ मेडल देकर पुरस्कृत कर दिया जाता था, फिर इस कार्यक्रम में सर्टिफिकेट बना, अतिथि आए और इस इंस्टीट्यूट की बड़ाई हुई, समाज में नाम रोशन हुआ। और सोच सकते हो, आपको शायद मालूम होगा कि प्रियतम जी पूर्णतः मधुमेह रोग से पीड़ित है, फिर भी 4 बजे सुबह में उठना है और अपने बच्चों के बीच में शिक्षा दान के लिए निकल जाना है। आप देखते होंगे कभी कभी बीच में
तबीयत खराब हो जाता है उसके बावजूद आपके एक दिन भी क्लास ड्रॉप नहीं होते। उनका कहना है जब तक शरीर में जान है तब तक मैं शिक्षा दान करता रहूंगा, ये जो हो जाए। और आज लगे हुए हैं। अब लंबी चौड़ी बात न कर आश्रम में जो स्वरूप बना है तो स्वरूप को मैं रखने का कष्ट कर रहा हूँ कि आश्रम में पुरस्कार की जो घोषणा है उसके पहले मुख्य अतिथि आ गए। अभी हर बार विगत वर्षों के टॉपर इनके इंस्टीट्यूट का जो बालक होता है उसी के द्वारा केक को काटा जाता है। केक रस्म है, नया रीति रिवाज है केक काट करके उसके उत्साह को वर्धन के लिए। मैं भैया बिट्टू से आग्रह करता हूँ कि आए और अभी जो केक की जो पैरती है वो काटकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट है। भैया बिट्टू आए एक बात मैं बता दूं कि 2020 के 2021 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित एग्जाम होता है टेस्ट का उसमें इन्होंने 466 अंक प्राप्त किए हैं। सोच सकते हैं ये 500 में 466 अंक प्राप्त किए हैं और एक गरीब पनहार बालक तो उस मुकाम पर पहुंचता है तो माँ पिता के से सीने बहुत खुल जाते होंगे। तो अब बिट्टू से आग्रह है कि केक काटकर को एकदम सामने पवन जी से भी आग्रह है कि रहेंगे साथ में ऐसे आप काट लीजिए निकाली पर कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है।
मेरे दिन में आप सौभाग्य की बात है कि आप आकाश कोस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे मुझे आप कुछ न कुछ दो शब्द कहना है। आप लोग जानते होंगे कि यह बाल दिवस में है क्यों मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 ईस्वी को आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही यह बाल दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसे हम लोग जान रहे हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता आजादी के पूर्व हमारे या पूरे कुछ ऐसे भी देश थे वहां भी जो बाल दिवस मनाया जाता था, वह डेट था 20 नवंबर। लेकिन 1964 ईस्वी में जब जो है हमारा देश आजाद जब हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट वोट के द्वारा यह पारित हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर जो है यह बाल दिवस मनाया जाए और उसी दिन से यह पार्टी जो है चली आ रही है और अभी तक यह पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। इनके पीछे एक और भी रीजन था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है बच्चों से काफी प्रेम था। जहां भी बच्चे का कुछ कार्यक्रम होता था वहां जो है वो आसानी से चले जाते थे और बच्चों के बीच में भूल भी जाते थे। उनका जब प्रधानमंत्री बने तो उनका यह सोच बना था कि बच्चे आगे आगे का जो है भविष्य है और भविष्य इन्हीं के कंधे पर निर्भर करता है, क्योंकि आगे वाला दिन किसी बच्चे के जो है देश को आगे बढ़ाना है, देश को ऊंची शिखर पर ले जाना है। ऐसा सोच जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का था। प्रथम प्रधानमंत्री जी का जो है उन्होंने जब बाल दिवस मनाया जाने लगा तो जगह जगह पर जो है उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षण के क्षेत्र में कई सुविधाएं प्रदान करने की भी घोषणा की। आज प्रधानमंत्री के द्वारा आज देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए निम्न से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी कहीं न कहीं उनका ऐसा व्यवस्था बना हुआ है कि गरीब हो या अमीर हो सब तबके के लोग जो है आसानी शिक्षा प्राप्त कर सके। आज प्रधानमंत्री योजना के द्वारा भी पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है समय में कुछ न कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो है बाल दिवस के अवसर पर जो है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी देखते हैं जिस तरह से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बच्चों के बीच में घूम मिल जाते थे, आज हमारा देश वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी काम है। दोनों का स्वरूप एक मुद्दा सुनता है, उन्होंने शुरुआत किया और इस काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सौभाग्य है और आशा है कि आज इस कार्यक्रम में जो है हमारे इस नगर क्षेत्र के जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि आगे के भविष्य इस क्षेत्र को संभालने वाले हैं उनसे भी एक मेरा निवेदन होगा कि आप को इस शिक्षण के क्षेत्र में जो है आपने जो आगे के यहाँ बुला दिया है इससे साबित होता है कि आगे वाला भविष्य यहाँ शिक्षा का क्षेत्र इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ कमी आपको खलेगा आप निश्चित रूप से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे, हम लोग ऐसा विश्वास है। आज बहुत से भैया वहां हमारे जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं एक किसी न किसी विद्यालय से पढ़ कर कहीं निकले हैं और इसका नाम है आकाश इंस्टीट्यूट। अर्थात 30% जो है बच्चों को जो है इनके द्वारा शिक्षा दान देने का काम होता है और यह सोच जो है जब इस क्षेत्र में जब ये हमारे सहयोगी आचार्य प्रीतम जी का आगमन हुआ तो धीरे धीरे आचार्यों के बीच में बैठ कर के योजना बनाई गई कि आखिर में हम लोगों को जीवनोपार्जन के लिए कुछ शिक्षा का दान भी हो असर हम लोग का कुछ जीवन यापन भी हो। तो बहुत से विद्यालय को देखते होंगे आप कि शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ अपना पैसा कमाना जानता है, लेकिन यह विद्यालय और उनके द्वारा चलाए हुए शिक्षण संस्थान ये दोनों का काम है कि हम गरीब से गरीब कुछ बच्चों को भी शिक्षा दें।
आज हमारे विद्यालय में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जो है सो उद्योग तक पढ़ाता हूँ, अर्थात ये परंपरा जो है वो जा रही है। तो हम भैया बहनों से और यही अपेक्षा रखना चाहेंगे कि जो भी आपको निर्देश मिले अपने भोजन के द्वारा वो उस भोजन की आज्ञा को पालन करेंगे और उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यदि आपने इस जीवन के आगे लक्ष्य को आगे प्राप्त कर लेते हैं तो इसकी सूचना भी अपने इंस्टीट्यूट हॉल में जाने को दे ताकि हमें भी गर्व हो। अभी हमारे पूर्वक्ता ने बताए हैं कि तीन लोगों की काफी खुशी होती है, माँ पिता जी और गुरुजन को, इसलिए हम लोगों को भी खुशी हो कि जहाँ भी हम लोगों के भी स्थिति कभी कभी जो है कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहे उसमें आप पेंशक आपके शामिल हो, ऐसा जो है मेरा परिवार आपसे भी कामना करता है। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य। अब जो विगत कई वर्षों से जो टॉपर ला रहे हैं, 2017 में ही इस आकाश इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ था और उस वर्ष से जो टॉप लाए हैं मैं बारी बारी से उन सभी का नाम लूंगा जो उपस्थित होंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। पीयूष भैया से आग्रह है कि यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे इस प्रकार। आइए ना आगे, अभी एक चीज जान लो, विद्यालय या कहीं भी जो शिक्षा देते हैं उसमें सिर्फ आचार्य या टीचर का ही रोल नहीं है, उनकी सह चोरी जो होते हैं उस तरह से गुरु के जो पत्नी होती है गुरु माता कहलाती है। आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये ही समय पर इनको सारे मुहैया करवाती है तो जाकर आपकी सुविधाएं अनंत होते जा रही है। तो विगत वर्षों से टॉप जो ला रहे हैं सचिता कुमार से आग्रह है कि अगर है तो आने का कष्ट करेंगे। 2017 में सचिता, 2018 में नीतीश कुमार आए हैं तो आकर नीतीश अभी का नाम है, हाँ इन्हें सम्मानित करेंगे। पीयूष जी से आग्रह है कि सम्मानित करेंगे। आने वाली पीढ़ी है आपसे भी कुछ सीखे कि किस तरह से आपने इस बड़े बिहार में बड़ी परीक्षाएं होती है और इस परीक्षा में आप अंक अर्जित करते हैं तो आइकॉनिक पर्सन तो आप हो ही गए हैं कि आप मार्गदर्शन करें इन बालकों का कि आने वाला भविष्य का उज्ज्वल हो। नीतीश जहां तक प्रयास करेंगे नीतीश भैया कि हमसे 2019 में पढ़ी 17 से आज तक का क्रियाकलाप इन्होंने जान रहे, ये पढ़े इनके भाई पढ़े और छोटे भाई पढ़ रहे हैं, यहाँ तक के मेरी सफर में कहीं पर भी मुझे कमी हुई है। अच्छाई तो लोग सभी लोग करते हैं, अच्छाई का बड़ाई हर जगह होती है, लेकिन जो बुराई कर रहा है बुराई को दिखाने वाला है कि आपका कोई पॉइंट यहाँ पर कमी है तो कमी के दिखाने वाला सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है मेरे समझ में, और जो कमी को दिखाता है तभी कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है और जो अपनी कमी को सुधारने का प्रयास करता है। तो जहां तक प्रयास करें कि हमसे अगर कोई भूल हो गई है शिक्षा से संबंधित या और कोई पॉइंट हमसे छूट रहा है जो बच्चों के लाभ तक हमसे दूर है हमसे नहीं पहुंच रहा है तो वह अगर दिखाने का प्रयास करेंगे तो हम उस पॉइंट पर जा करके उस वस्तु को या उस शब्द को हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। बाल दिवस प्रतियोगिता में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार, छठे का प्यार। आज 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हम लोग
बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं और यहाँ जहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं वह एक सिविलाइज्ड पूर्ण सभ्यता से एकदम भरी परी विद्यालय में हम लोग हैं। और पहली बार मैंने जब आकाश ट्रिप ज्वाइन किया शायद 18 में, तो पहली बार भैया बहन श्रीमान आचार्य जैसे शब्दों से मैंने परिचित हुआ था। और उसके पहले मैंने जहाँ कहीं पढ़ाई इतनी सिविलाइजेशन से भरी पूरी जो थी वैसा कभी मैंने नहीं देखा। मतलब कि अभी भी बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो ये तो पिन चलते डंडक की पिटाई से, लेकिन वहाँ ये तो आप जैसे सब सुनने को मिला था। और जितने भी छोटे बड़े सबको आप भैया बहन बहुत अच्छा लगा था। और वो अभी तक शायद बहुत कम ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ इस प्रकार से डिसिप्लिन है, और आकाश इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिन है। जहाँ तक यहाँ की पढ़ाई की बात करें तो इतना कम समय में इतना बड़ा सफलता शायद ही किसी इंस्टीट्यूट को मिला होगा। हर एक वर्ष इतनी बड़ी सफलता मिलती है, हर एक वर्ष यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं। टॉप करने की बात छोड़िए, वहाँ के जो रेशियो है फर्स्ट आने की ये सब का जो वो सबसे ज्यादा है। गरीब से गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे दोस्त वंचित रह जाते थे। जो छात्र इस दियारा इलाके के छात्र बहुत सारे वंचित रह जाते पढ़ने से, वहां के भी छात्र यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं। 50 रुपया 100 रुपया जितने रुपया भी इनको दे दिया गया है वो कभी देखे नहीं कितने पैसे मेरे को मिला। मैंने देखा है चटौर के लड़का, दरियापुर के लड़का, यहाँ सभी के लड़के वहाँ के लड़के आते हैं, किसान मजदूर आम वर्ग के लोग आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। और इनका डेडिकेशन बच्चों के प्रति जो डेडिकेशन है वो शायद बख्तियारपुर के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और प्रीतम आचार्य जी के ही डेडिकेशन नहीं है, भैया है आकाश भैया उनका डेडिकेशन, मैम है उनका डेडिकेशन, फुल्ली डायबिटीज पर्सन है, डायबिटीज से पीड़ित है, लेकिन 4 बजे उठ जाते हैं। हम लोग नहीं पहुंच पाते थे उस टाइम पे पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी पहुंचे रहते थे उस स्टेट में। चाहे जब हम लोग ज्वाइन किए थे कोचिंग तो सुपर 30 जो एग्जाम होता है, आप लोग भी सुपर 30 एग्जाम दिए होंगे, और उस एग्जाम के माध्यम से निःशुल्क कौन पढ़ाता है जी, मात्र 100 रुपया में, 100 रुपया मंथली, 1200 1000 का एक साल लेते हैं, 1500 ऐसे में कौन पढ़ाता है, कोई पढ़ाता है क्या? लेकिन आचार्य जी आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वो सौभाग्यशाली आप लोग हैं। ठीक, हम लोग भी ये मिडिल क्लास में होंगे तो हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिसने आपको सहयोग किया है आगे बढ़ाया है, आप भी इस इंस्टीट्यूट के सफलता में आगे की ऊंचाई में आप लोग अपना सहयोग दें, अपना प्रदान करें। अब आप लोग क्लास 10th के बच्चे होंगे, कुछ 9th के होंगे और कुछ 12th के भी होंगे और कुछ स्कूल के भी बच्चे हैं, और मार्च का आप लोग एग्जाम होने वाला है, शायद सिलेबस तो शायद कंप्लीट हो ही गया होगा, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग इसको रिविजन कीजिए, बोर्ड के एग्जाम है, आप लोग का जो हिप्पोकैम्पल है हम लोग के ब्रेन में होता है उसको बार बार फोर्स कीजिए, एक्टिव रखिए। वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हम लोग का होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है। जो पिछले बार आप जो एक बार पढ़ लिए हैं उसको बार बार रिविजन कीजिए, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करके आप अपना भविष्य संभालिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, और सुपर 30 के साथ फॉर्म भी आ गया है, आ गया ना जी, 20 तारीख का एग्जाम भी है, तो आप लोग तैयारी, जो जो बच्चे फॉर्म भर दिए हैं वो सही है, और जो जो नहीं पढ़े आप अपने आस पास के बच्चों को बताएं, इस चीज के बारे में बताएं कि ऐसा इंस्टीट्यूट है, पूरी सभ्यता संस्कृति पर आधारित इंस्टीट्यूट है, वहाँ जैसा डिसिप्लिन है वैसा डिसिप्लिन कहीं नहीं मिलेगा। तो ज्यादा समय में लेते हुए, हम लोग एक संप्रभुत्व राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक है, और एक नागरिक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने जिम्मेदारी को पालन करेंगे, क्या पालन करेंगे ना, जहां भी रहेंगे किसी भी क्षेत्र में, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, जहां भी रहेंगे हम अपने जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने का काम करेंगे, करेंगे ना। ठीक, ज्यादा समय नहीं लेंगे, धन्यवाद।
अब शिवम कुमार 2019 के टॉपर है भैया शिवम कुमार कर आए हैं, तो अगर मंच पर आप आते। 2020 के टॉपर है भैया चंदन कुमार आए हैं, इन्हें 500 में 448 अंक प्राप्त हुआ था उस वर्ष। उसके बाद अभी तो आपने देखा है कि कार्यक्रम को शुरुआत किए हैं, उससे पूर्व दीप प्रज्वलन कर इस नगर के भावी सभापति पवन जी ने कार्यक्रम प्रारंभ किया। बिट्टू कुमार 2021 के सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले अभी तक है, 466 अंक इन्हें प्राप्त हुआ है, सभापति आदरणीय पवन जी सम्मानित करेंगे। बिट्टू कुमार और इस वर्ष के जो अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो भी उपस्थित हो गए। और बिट्टू कुमार से भी आग्रह होगा कि जब आप इस इंस्टीट्यूट में आए और क्या देखा, क्या अच्छा पाया, कि क्या आपको कमी लग रही है, उसका जिक्र जरूर भैया बनो के बीच करें। सबसे पहले इस प्रांगण में उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम तथा छोटे को प्यार। आज हम लोग बाल दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैसा कि हमारे इनकी प्रिया अच्छाई बताए हैं, और हम लोग यहाँ सब ठीक है, और स्टूडेंट के लिए टेंथ के स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे, उससे नहीं डरिए जो 10 किताब को एक बार पढ़ता है, उससे डरिए जो 1 किताब को 10 बार पढ़ता है। अब ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे इसकी बात, उससे मत डरिए जो 10 किताबें पढ़ता हो, 1 किताब को 10 बार पढ़ता हो उससे डरना है। लगनशीलता होनी चाहिए, परिश्रमशीलता होनी चाहिए, हार्ड लेबर इसे कहते हैं, और जो हार्ड लेबर करता है तो विजय गाथा लिखता है। अपनी छाप छोड़ दीजिए सभी के बीचों में, जब आप पढ़े तो आपको देखकर लोगों को लगे कि कोई विद्यार्थी जा रहा है, इसके सामने उलझुल बातें बोल देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्या चलेगा, तो आपकी विद्वत्ता चलेगी। तो अब इस वर्ष के जो टॉपर है और इसी विद्यालय से अरुण से लेकर अष्टम तक की शिक्षा ग्रहण की है, भैया विवेक से आग्रह है वो आएंगे, और आदरणीय पवन कुमारी से फिर आग्रह करेंगे कि इन्हें जरूर सम्मानित कीजिए, क्योंकि इसी विद्यालय का यह छात्र है, और आपको मैं बता दूं अभी से अधिक अंक अर्जित किया है, और अभी जो कार्यक्रम होगा ये टॉपर विवेक कुमार 2022 में कोचिंग का टॉपर स्टूडेंट है, 455 पहचानते हुए पकड़ दिया इनको, ये विजय लाइक दुकान देखे चला कर उन्हीं का ये सूत्र है। अपने इस विद्यालय के शुभार बालक का जरूर अभिनंदन और स्वागत किए। प्रत्येक वर्ष जो टॉपर होते हैं सरस्वती जी का जो तस्वीर है उन्हें सम्मानित किया जाता है, सरस्वती जी का तस्वीर देता है। अब नेक्स्ट कार्यक्रम ये 2022 के थे, कुछ बात मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। अभी टेंथ में पास करने वाले भैया बहनों का कोई सम्मान हुआ, ऐसा अगर सम्मान प्रत्येक को प्राप्त हो जाए पता ही नहीं चले कि किनको देते। मैंने जब 2022 के रिजल्ट को आकलन किया तो इस विद्यालय के ही पढ़ने वाले भैया वीरराज, प्रियांशुराज, अंतुराज, विवेक, मंजूषा बहन, जो भी भैया बहनों का लिस्ट मैंने देखा इस विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में, और प्रीतम जी से 10th-9th की शिक्षा उसने ग्रहण की, तो मैंने पाया 451 से सभी का नंबर है,
90% नंबर सभी का है। तो वीरराज और प्रियांशु राज दो भैया है, समझ लीजिए पढ़ने में बढ़ार है, और ये किस प्रतियोगिता में उन्होंने स्थान भी प्राप्त किया है, मैं उनकी घोषणा करूंगा। तो ये सारे बालक कैसे लाते हैं, इसका कारण क्या है? टेंथ की परीक्षा में सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग के मन में होगा, बहन से भी आशा है, बहनों को तो जब बड़ी हो जाती है तो माँ घरेलू काम काज भी सिखाने लगती है कि कैसे आप घर में बड़ों का सम्मान करें। और इस विद्यालय में आपने देखा होगा कि जो भी छोटा भैया से लेकर बड़े भैया तक, मतलब छोटे बालक से लेकर बड़े बालक तक है, वो भी भैया ही है। छोटे बच्चे भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए भैया है और बड़े भी है। तो माँ पिताजी इस संस्कार के लिए इस विद्यालय में भेजते हैं और यही संस्कार आकाश इंस्टीट्यूट में बना पड़ा है, इस बात की जिक्र मैं करता रहता हूँ। तो टेंथ में जब आप जाते हैं तो एक बात हर समय समय दिमाग में आता होगा कि हर काम के लिए समय है और हर समय काम ही काम है, ऐसा अगर मन में विचार बन जाए तो निश्चित आपकी सफलता बनेगी, आप टॉप करोगे। आप ये इग्नोर मत करो कि इस विषय से तुम जितना भागोगे विषय तुम्हारा पीछा रह देते चलेगा। अर्थात आपने देखा समय का नाम सुने हो, समय का नाम सुने हो, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे होते हैं। और आपने देखा होगा कि आप आए होंगे 3 बजे और अभी 4 बज गए, 1 घंटे का समय पार हो गया। और समय की टिक्की जो होती है ना छोटी, महिलाएं पीछे बांधती है और पुरुषों का टिक्की पीछे ही रहता है, आगे कभी टिक्की देखे है? ये समय ऐसा चीज है जिसकी टिकिया जो होती है हमेशा आगे होता है, हमेशा ऐसे निकला रहता है, यूनिकॉर्न हॉर्स जैसा आगे रहता है। उस टिक्की को अगर पकड़ कर आप समांतर नहीं चलोगे तो आप पीछे चलते चले जाओगे, बैक हो जाओगे। इसलिए समय अनुसार सारी गतिविधियों को करो। तो इसके लिए अपनी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दिनचर्या। एक व्यक्ति ने हमें बचपन में कहा था कि भोजघरी कोहरा रोपा है, इसका अर्थ क्या समझते हो? भोजघरी कोहरा अर्थात जब भोज हो रहा है तो उसमें कोहरा रोप कर भोज खिला लोगे? नहीं। इसके लिए हमें प्री प्लान करना पड़ेगा, पूर्णतः पीछे जाना होगा। इसलिए प्लान आपकी बनी होनी चाहिए कि हम इस प्लान के तहत अपना अभ्यास करेंगे। दूसरा, आप जब भी अब पढ़ लिए, जो पढ़ाई हो रहा है वो पिछले समाप्त हो चुका है, कुछ ऐसे भी नहीं होंगे कि सारे लोग कौटिल्य जैसे बालक होंगे, छोटा बालक है पूरे विश्व की जानकारी रखता है, वो साक्षात गॉड होता है जो भी है। तो हमें क्या करना है कि एकदम प्रीवियस जितना अभी तक एग्जाम आपने दिया है उसका क्वेश्चन है और की रखिए पास, क्योंकि जब भी मोबाइल में गूगल ऐप डालेंगे तो आज साफ शब्दों में 2010 का पीवीएफ क्वेश्चन, 11 का, 12 का, जिस विषय में आप कमजोर है उस प्रीवियस को देखिए। इससे क्या फायदा मिलेगा, उसी बुक से सारे क्वेश्चन करते हैं, कोई बदलाव नहीं रहता, कोई पैटर्न चेंज नहीं रहता है। और जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड अपना पैटर्न बनाए हुए है उसी तरह से बीएसई भी अपना पैटर्न बना दिया है, आपको और ऑप्शन मिल चुके हैं। इसके लिए आप लोगों को लगता होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो बड़ा आराम है, तो राम सीता बेटा था दशरथ है, अगर चारों मिल जाएगा तो मार देंगे, कैसे मार देंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो मार सकते हैं, अंदाजे गोली चला सकते हैं, एक को लग सकता है, दो को लग सकता है, भीड़ चलाएंगे तो एक दूसरे को लग सकता है, क्या सभी को लग जाएगा? लेकिन अगर प्रीवियस एग्जाम का जो तैयारी आपकी रहेगी, आप विषय वस्तु से पहले अपने पाठ पुस्तक की बारीकी को पढ़ो, किताब का अध्ययन करो, गाइड पर निर्भर नहीं रहो। कितने बालों को मैंने देखा है कि क्वेश्चन आंसर जवाब दे रहा था गाइड का, गाइड से तैयारी रहता है, गाइड की तैयारी, आप कुछ पल के लिए सफल हो जाओगे, जीवन में असफलता ही आएगी। इसलिए गाइड से ज्यादा क्या है जरूरी, कि आपकी बुक का अभ्यास हो निरंतर पूर्वक, एक एक लाइन कुछ चीजों को सीखो और यही चीज आगे चलता चला जाएगा। 7, 6,
एट का जब आर्ट्स के पेपर जानोगे तो सिक्स में सिक्स में जब जाओगे तो प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है, सेवन में मध्यकालीन इतिहास का देता है और एट में जाने पर आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी देता है। यही आगे चलकर जब बीच में मिल जाते हैं तीनों चारों, तो कोई कहता है कि हम हिस्ट्री से ऑनर्स हैं, तो कोई कहता है कि हम पॉल साइंस से ऑनर्स हैं, कई विषयों का खंडन करकर कर उसका प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि बुक का एक बार जरूर अवलोकन करो। एक बालक से पूछ दिया गया कि आप जो बालक आप मैथ का बुक पढ़ते हो बुक का क्या नाम है, किसने लिखा, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस बुक को पढ़ रहा हूँ, किस राइटर के द्वारा पढ़ रहा हूँ और बुक की क्या गरिमा है। एनसीईआरटी बुक इत्यादि जो बुक होते हैं कई राइटर मिलकर उस बुक को लिखता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तीसरी बात, जब आप क्वेश्चन या इत्यादि जो एग्जाम देने जाते हो, रोल नंबर रोल कोड ये सब इनपुट आप डाल दिया गया पहले की तुलना में सुने हैं जैसा, हम तो अभी 2000 में ही मैट्रिक पास किए थे और अब तो बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो इस चीज को भी बारीकी से ध्यान देना है। अब जगह भी आपके पास कम रहता है, जो तो लिख कर काम नहीं चलेगा, तो विद्यार्थी क्या करता है कि हम पूरा भर देंगे तो हमारा नंबर पूरा मिलेगा, इसलिए कोशिश करना है कि हम प्रत्येक क्वेश्चनों को टच करें, इसके लिए अभ्यास बना रहे। अगर आपको लगता है कि शाम के समय माँ पिताजी या कोई घरेलू काम पर गया है उसमें व्यस्त हो गए हैं, तो उसकी व्यस्तता को दूर कर दूसरे समय में उसको पूरा करें। इस समय पढ़ेंगे, 11 से 12 पढ़ेंगे, 1 से 2 पढ़ेंगे, 3 से 4 पढ़ेंगे, 4 से 5 पढ़ेंगे, कोई भी एक समय निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि अभी आपकी सफलता में परिश्रम जो करेंगे वही आने वाला सफलता आपको अर्जित होगा। अभी एक चीज जान लेना कि बड़े ही आपको रास्ते सुगम मिलेंगे, जो सुगम रास्ता मिल गया समझना तुम्हारे लिए हानिकारक है। एक वैद्य ने कहा कि मीठा भोजन करने पर जो जीव को अच्छा लगा ना वो समझना तुम्हारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक। जीव पर जो अच्छा लग गया वो आपके करेला अच्छा लगता है जी, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो औषधीय गुण है। नीम अच्छा लगता है, नहीं लगता, क्यों औषधीय है वो। तुलसी कहेंगे खाने के लिए अच्छा लगेगा, नहीं, ये घास पर बकरी खाता है, ये हम क्यों खाए। तो इन सभी की जो जीव को खराब लगा वही तुम्हारे लिए अच्छा है, इसलिए एक चीज ध्यान रखना, जो रास्ता तुमको फूलों से भरा हुआ लग रहा है इससे तो दुनिया एकदम आजादी से छीन लेंगे, वो तुम्हारे लिए आने वाला समय कठिन कर देगा। अच्छा रास्ता वही है जो कंटीले रास्ते हैं, झाड़ियों युक्त है, तुम्हारे हर काम में बाधाएं हैं, तो वो तुम्हारा अच्छा रास्ता। अभी तुरंत कह देना चाहती हूँ आपकी जो कमी बतला दिया वो सबसे अच्छा हुआ, और जो आपके मुंह पर बड़ाई कर रहा है समझना कि पीछे छूला घोपने का काम कर रहा है। ये सब लोग जाते हैं लेकिन अच्छा तो हमको भी लगता है कि हमारे मुंह पर बड़ाई करें, तो ये सभी चीजें बात है। आप अपने जीवन में ये सभी चीज को उतारिए और अब जो भी इस प्रतियोगिता में टॉप लाए हैं अच्छा सच से लेकर मैं उनका नाम लूंगा, और इससे आग्रह है कि पुरस्कार की व्यवस्था आपकी हो जाए। तो शुरुआत करते हैं क्लास सिक्स से, भैया आनंद राज प्रथम स्थान लाए हैं अपने क्विज प्रतियोगिता, उनकी माँ का नाम है भूमिका देवी और पिता का नाम है आदित्य कुमार। सम्मानित शुरुआत करेंगे, सम्मानित करेंगे। दूसरा स्थान जिला कुमार पटना जिला, आ गए जिला कुमार जी, जिला कुमार को आप सम्मानित करें। सोच सकते हो एक हमारे बगल में डिस्ट्रिक्ट भैया रहता है, डिस्ट्रिक्ट रहता है और आज इस जिला से और मुलाकात हो गई है। जिला कुमार संजय और तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं भैया सूरज कुमार, अपना पुरस्कार अर्जन करेंगे। चला गया क्या आनंद राज, चले गए यहाँ से, आप यहाँ तीनों एक साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा लीजिएगा। दीजिए
पूरे इसको आप तीनों घर भूल जाइए, उधर ऐसे सर्टिफिकेट लेकर ये जो क्यूज प्रतियोगिता होती है मैथ और साइंस की प्रतियोगिता है और उसमें इन्होंने अंक अर्जित किया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सोच सकते हो ये बालक नाम से ही लग रहा है कि जिला कुमार है, तो कैसे बालक गरीब से गरीब बालक यहाँ अर्जन कर रहा है ज्ञान। अब क्लास 7 में प्रथम स्थान प्राप्त किए भैया प्रिंस कुमार, माँ का नाम है उर्मिला देवी और पिता जी है संतोष कुमार राय। तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं मनीष कुमार, पिताजी का नाम है विनोद राय और माँ का नाम है प्रियंका देवी। थर्ड स्थान प्राप्त किए हैं भैया गौरव कुमार, पिताजी का नाम अरुण प्रसाद और माँ का नाम सविता देवी। ये तीनों को सम्मानित हमारे अष्टम में एक क्लास में क्लास 8 में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं सौरभ कुमार भैया, सौरभ कुमार भैया, जयू कुमार और भैया अंशु कुमार, सॉरी बहन अंशु कुमारी, बहन अंशु कुमारी, ये तीनों आएंगे। थर्ड स्थान लाई है और मैं अंक इनका बता देता हूँ, ये सौरभ जो लाए हैं 5 अंक में 96% लाए हैं, 96 अंक कर दिया है। बानवे अंक आया है और मान अंशु को 82 अंक आया है। इन तीनों का उज्जवल भविष्य हो, इन्होंने जो अंक अर्जित किया है जो 96 सोचते थे कि 96 अंक भी आ जाएगा विषय में, तो बड़ा ही गर्व महसूस होता था 96 अंक लाए। 91 से 100 तक के बालक जो भी होते हैं वो A1 क्लास के बालक होते हैं। एक तो अभी घोषणा बाकी है और क्लास 9 में जो भैया है उनका नाम है पंकज कुमार और इन्होंने रिकॉर्ड क्रॉस कर लिया है, 100 ऊंचाई पर चढ़ गया है, इसके ऊपर हम नहीं होता है। 100 में 100 पंकज कुमार क्लास 9 में दीनानाथ राय और दीना देवी ये भैया को एकदम कमाल कर दिए भाई, इस विषय में 100 में 100 दोनों में साइंस और अरे वाह कमाल हो गया। एक बार जोर से प्रदर्शन अरे इसमें तो सब दवा तोड़ मेहनत किया है, गंगा छुड़ा दिया है तो भारतीय भाषा में बिहार में लोग क्या कहते हो तो आप मार रहा है विराट कोहली कर दिया। दूसरा स्थान है सोनू कुमार 98 अंक लाया है, 90 कमाल है, वो भी कमाल कमाल है, 96 अंक लाया है, 96 निर्माण के नाम लिया जाता है तो लोग बड़े ही घर से मान पढ़ने में दुर्बलती है तो बच्चे का भविष्य नहीं बदलाती है, जब यह अंक अर्जन करती है तो बड़े ही गर्व का ये पल है। अभी अपने बीच मंशा सिंह एक और करता हुआ है, उनका परिचय के लिए विजन जिससे हम आगे करेंगे दो शब्द में परिचय कर देंगे। अभी अभी तो क्लास 6 में आनंद राव प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनके पिताजी हैं या भी एक शिक्षक हैं, हर नौ शायद कोई विद्यालय में पढ़ाते हैं और शिशु मंदिर में भी पूजी है, इनसे भी आग्रह है
आज का यह दिन खास है। इस विषय में सर लोग भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो खास दिन जो है वह तो हम लोग परंपरा रूप से मनाते ही हैं, लेकिन इस खास दिन में हम लोगों के लिए खास संकल्प का दिन होता है। जैसा कि आज के बारे में जान रहे हैं कि आज का दिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये वास्तविकता है कि हमारा देश जो है आप बच्चों पर ही निर्भर करता है। आप में जितना ज्ञान होगा, जितना सामर्थ्य होगा, जितना आप गुणवान होंगे, हमारा देश उतना ही तरक्की करेगा। तो आज के दिन के लिए मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आप सब अपने अपने मार्ग पर अग्रसर रहे और ईश्वर आपका साथ दे। धन्यवाद। पेंट में जो प्रथम स्थान लाए हैं सोहित कुमार, सरोजनी देवी, विनोद प्रसाद आएंगे धनकर। दूसरे स्थान पर आए हैं सचिन कुमार और उनकी माता का नाम है अनिता देवी संजय राय। तीसरे स्थान पर अंशु कुमार, तीसरे स्थान पर और मंजू देवी संजय राय, ये दोनों एक ही करते हैं, अलग अलग है, अलग काम ही है। अनिता मान, चलिए इन्हें सम्मानित करेंगे। परम जी और प्रधानाचार्य से भी आग्रह है सम्मानित सीधा हो ये सर। अंशु इनके लिए कल ध्वनि लगाइए। इलेवेंथ में, इलेवेंथ में रिसेप्ट हो गया, इलेवेंथ में भैया वीरराज वीरराज से आ गया है कि वो आगे नमस्कार। भैया प्रियांशु राज, दोनों भैया भाई भाई है, वीरराज और प्रियांशु राज। मैंने इससे और एक अंशु कुमार, अंशु कुमार और ये दोनों जुड़वा भाई है और अंक में भाई दोनों एक दूसरे से पछा दिए है। वीरराज 100 में 98 लाए हैं और प्रियांशु राज 89 और अंशु राज 86। ये तीनों शिशु मंदिर के अरुण से अष्टम तक पढ़े विद्यार्थी हैं और सौभाग्य से टेंथ में भी इन्होंने अच्छा अंक लाया है। 455 लाए थे, 451 अंक लाए थे और 11th में भी अच्छा कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अंशु राज ऐसे विद्यालय का टॉप बच्चा था। इस विद्यालय में अंशु जो तीसरा स्थान लाया है, कहते हैं कि मेहनत सोना को निखार देता है। स्वर्ण आभूषण वाला जो होता है ना, सोना को पीट पीट कर पीट पीट कर चमक ला देता है। तो जितना मेहनत करोगे उसका परिणाम निकलेगा। तभी प्रथम स्थान पर वीरराज और प्रियांशु राज लाया है और बचपन से मैं देखता आया हूँ, साइंस विषय में पढ़ाता था इन दोनों तीनों को और अच्छा अंक अर्जित करते थे। एक बार 100 में 100 अंक आ गया था प्रियांशु का, वीरराज का और चार पांच जितने विद्यार्थी थे सभी को बड़ा ही गर्व का पल है। इन तीनों को सम्मानित करेंगे अतिथि महोदय पवन जी, प्रधानाचार्य जी और प्रियतम जी, तीनों से आग्रह है तीनों कर तीनों को सम्मानित करेंगे। ये रेविंद की ये धनी है, कर्तव्य ध्वनि लगाते रहे भाई, इसलिए संख्याने वाला भी कभी नहीं होता है, ये मत भूलिएगा आप लोग। और 12th में
प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, 12th में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं भैया बिट्टू कुमार, निराले अंकल आए हैं, कुछ से आगे आएंगे, और दूसरे स्थान पर रंजन कुमार और तीसरे स्थान पर विशाल कुमार, ये तीनों आएंगे, तीनों की उपस्थित लोग है, उनसे आग्रह है कि तीनों को सम्मानित करें। बिट्टू को 98 आया है, सॉरी बिट्टू को 99 आया है, रंजन को 88 आया है 100 में, और विशाल को 100 में 76 अंक आया है। लास्ट है आप लोग जब तक बोले, एक परिचय करवा देते हैं, ये तीनों को सम्मानित हो गए अभी, एक परिचय इसलिए करवा रहे हैं, इस जगह बगल में हमारी दाई ओर एक रौशन भैया बैठे हुए, जब प्रीतम जी इस शिक्षा जगत में आए तो पहला स्टूडेंट बने, और संजोग मैंने उनसे कहा, ये बोले कि दीपक जी आपके पास नंबर है क्या, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल है, और मैंने नंबर दिया तो बात हुई है, तो रौशन जी जैसे ही सुने कि कार्यक्रम है तो दौड़े दौड़े आए हैं, क्योंकि प्रथम गुरु का तो सम्मान ऊपर है, इनकी महिमा तो कहना ही है। तो रौशन जी अभी एक दुकान भी चलाते हैं और शिक्षा का भी कार्य करते थे, कि फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई विषय का प्रतिपादन प्रस्तुता करते थे, अब बहुत लंबा समय हो गया है, पकड़ के वीडियो बना कर आदरणीय पवन जी से आग्रह है कि दो शब्द भैया वन को आश्रय वचन स्वरूप और कुछ विजन की बात आप अपने बालकों के बीच रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय का ये कल है, भविष्य है, और मैं और हम लोग तो परिचित होते ही रहते हैं, आपसे भी रूबरू हो जाए कि आप किस प्रकार के बालकों का निर्माण सोच रहे हैं, और इस वक्त आपकी प्रगति और उसके उत्थान के लिए आपकी क्या विजन है, थोड़ा वो भी चर्चा भैया बनू को करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का कार्यक्रम बाल दिवस, बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर, उनका जन्म 1889 में 14 नवंबर को हुआ था, उसी प्रांत हमारे प्रधानमंत्री बने और उनका बचपन से ही बहुत लगाव था बच्चों से, इतना लगाव था कि जब भी बच्चे से मिलते थे तो गुलाब का फूल देकर सम्मानित करते थे, बच्चे भी और लोग भी, तो लोगों ने प्यार से चाचा नेहरू बोलते थे, बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे हमारे वो, 1964 में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग बाल दिवस मनाते आ रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया उससे पहले 20 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ये था कि बहुत सारे देश 20 नवंबर को ये बाल दिवस मनाते थे, तो अभी हम लोग बाल दिवस मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के ऊपर, पढ़ाई शिक्षा के प्रति उनका इतना लगाव जिसके कारण हम लोग बाल दिवस मना रहे हैं, वो चाहते थे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं वो हमारे भविष्य हैं, उन्हीं के हाथ में मेरे देश जाने वाले हैं, हमारे समाज, हमारे घर, हमारा परिवार आज उन्हीं के हाथ में जाएगा, तो उनका एक प्रयास था कि जो भी वो शिक्षा के माध्यम से तो लोग शिक्षित हों, पढ़े लिखे और अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम आगे बढ़ाए, एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है इस बख्तियारपुर नगर परिषद के लिए, कि छोटा प्रयास है कि हम भी एक मेगा स्कॉलरशिप करवाते हैं, रिसर्च करवाए हैं जिसमें 30 विद्यार्थियों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, इसमें लैपटॉप है, अदरवाइज ट्रॉफी है,
और तीन विद्यार्थी को चयनित करते हैं जो विद्यार्थी टॉप थ्री लाते हैं। ऑल इंडिया कहीं भी पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं, वो सारा खर्च मेरा। किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, वो इंजीनियर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, अदरवाइज किसी भी क्षेत्र में अगर पढ़ना चाहता हो, उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी होती है। इस साल भी 30 विद्यार्थी हमारे छठी में आए थे, लगभग 50 स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, जो टॉप थ्री में है वो आज भी मेरे द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और इस मेगा स्कॉलरशिप में भाग लेकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह कहीं भी इंडिया में जाइए, उनका व्यय हम करेंगे, जो भी खर्चा होगा वो मेरे तरफ से होगा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आप लाइफ में सोच के रखे हो कि मेरा ड्रीम ये है, हम ये करना चाहते हैं, मेरे यहाँ गाड़ी होगा, मेरा कुछ भी होगा, मेरा घोड़ा होगा, जो भी सोचेगा, जो भी सपना आपका है, वो माध्यम सिर्फ एक ही है, शिक्षा। आप अगर पढ़ाई करते हो, अच्छे जॉब में चले जाओगे, तो तुम्हारा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो माध्यम सिर्फ एक ही है, पढ़ाई। और पूरी ईमानदारी के साथ आप अगर पढ़ाई करोगे, इतना विश्वास तो है कि आप वो मुकाम हासिल करोगे और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करोगे। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये जो लाइफ है बार बार नहीं मिलेगा। बीत जाने के बाद अफसोस आएगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अभी आपको बस मेहनत करने का वक्त है, पढ़ाई कीजिए, मिनिमम 8 घंटा पढ़ाई कीजिए। आप लोग एक लक्ष्य लीजिए, इस लक्ष्य को हमें पाना है। लक्ष्य है कि हमको 10th में टॉप करना है। बख्तियारपुर का बेटा या हमारी बेटियां वो टॉप करे और पूरे बिहार में दिखाए कि बख्तियारपुर एक अच्छा जगह है जहां से हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ आकाश इंस्टीट्यूट हमारे सर का है, जो भी टेस्ट होगा वो करेंगे, हम लोग से जो होगा वो हम लोग भी करेंगे। सिर्फ आप लोग मेहनत करकर बख्तियारपुर का नाम रोशन कीजिए। आप लोग उम्मीद रखे तो क्या उम्मीद रखे इस बार अगर कोई टॉप करेगा वो बिहार में, तो हमारा बख्तियारपुर का बेटा करेगा, बेटी करेगी, विश्वास रखे तो इसी विश्वास के साथ आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और जितना हो सके हम लोग हमारे परिवार हमारे साथी के साथ होगा और उसको सपोर्ट करेंगे। आप लोग जो भी सूचना कुछ सूचनाएं आपके द्वारा संप्रेषित है तो सूचना आप कर दीजिए और